हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू रश्मि किचन। आज हम एक नई डिश बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है भरवा पूरी। ये खाने में बहुत डिलीशियस होती है और बहुत लाजवाब होती है। ये बहुत कम समय में बनके तैयार हो जाती है। इसको आप रोटी, पराठा, नान के साथ खा सकते हैं। आइए इसके क्या क्या इन्ग्रीडियंट है यहाँ पे देखते हैं। ये हमने लिया है जीरा 1 टेबल स्पून, ये हमने लिया है गरम मसाला 1 टेबल स्पून, ये हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, हमने लिया है धनिया पाउडर, यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिया है अदरक और लहसुन, यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा हल्दी, मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, ये हमने लिया है सौंफ, ये हमने मार्केट से फ्रेश तोरी ली हुई है जो कि धुल के और थोड़ा सा इसको उसका पानी सुखा के यहाँ पे रखा हुआ है, और ये यहाँ पे हमने छिली हुई तोरी ली हुई है, और कैसे इसकी कटिंग है, कितने कितने पीसेस होने चाहिए वो यहाँ पे हमने करके रखा हुआ है। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है छिली हुई तोरी रखी हुई है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं कि इसमें जैसे कि मसाला कैसे फिलिंग करेंगे। ये इसकी कटिंग हम ऐसे करेंगे, पीस से कटिंग करेंगे, ये जैसे पीछे पूरा साइड नहीं होना चाहिए, वन साइड से इसकी कटिंग करेंगे जिससे इसमें ईजिली मसाला फिलअप हो सके और ये बाहर की तरफ ना निकले। देखिए, जैसे आपने देखा ये देखिए ऐसे इसकी कटिंग करनी है हमें, सारी तोरी की ऐसे से कटिंग कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं जो कि हमें तोरी में फिलिंग करनी है। ये हमने लिया यहाँ पे धनिया पाउडर, इसमें डाल दिया, ये हमने गरम मसाला इसमें डाल दिया, ये हमने सौंफ डाल दिया इसमें, ये हमने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और मिर्च इसमें डाल दिया, अदरक और ये लहसुन है इसमें हम थोड़ा सा इसको मैश कर लेंगे जो कि इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर हम आप इसको आप दोस्तों, जैसे कि आपने देखा हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा जीरा डालेंगे,
देख रहे हैं आप कि आप ये बड़ी कितने अच्छे से पक रही है। ये देखिए हमारी तोरी कितनी बढ़िया से ब्राउन ब्राउन सी हो गई है। अब इसको 4 मिनट के लिए और पकाते हैं। ये सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो हमारी तोरी बनके तैयार हो गई है। अब हम एक एक तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि अब हमारी तोरी बनके तैयार हो गई है। अब हम इस गैस ऑफ कर देंगे और एक एक करके इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी भरवा तोरी बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। इसको आप रोटी पराठा नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत हल्की फुल्की रेसिपी है। ज़्यादा बनाने में टाइम इसको नहीं लगता है। अगर ये आपको अच्छी लगी हो हमारी भरवा तोरी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।